और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, आज पीएम मोदी गुजरात में 4 जगहों पर जनसभा कर चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम की पहली जनसभा सुबह 11 बजे आनंद के शास्त्री ग्राउंड पर होगी, दूसरी रैली दोपहर 1 बजे बढ़वाड़ में होगी और इस सभा के जरिए पीएम 3 लोकसभा सीट सुरेंद्रनगर, राजकोट और भावनगर को कवर करेंगे। इसके बाद जूनागढ़ में 3:15 बजे रैली होगी और वहीं पीएम मोदी की चौथी रैली शाम 5 बजे जामनगर में होगी। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ब्रेकिंग, शराब नीति मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। पिछली सुनवाई पर दिल्ली की डाउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने कोर्ट में कहा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को महिला होने की वजह से जमानत देने में रियायत नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ रहे हैं तीसरी बड़ी खबर के साथ, लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी ने प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। बीएसपी के इस लिस्ट में 6 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने गोंडा से सौरभ मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है, कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को उम्मीदवार घोषित किया है। इन सब के बीच बीएसपी प्रमुख मायावती आज मैनपुरी में चुनावी रैली करेंगे। चौथी बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान आज नामांकन दाखिल करेंगे। चिराग पासवान हाजीपुर से दोपहर 1 बजे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने से पहले पटना के खगौल में चिराग पासवान ने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। चिराग ने समर्थकों को नामांकन सभा में शामिल होने के लिए कहा। आगे बढ़ रहे हैं, पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात में आज चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं और आज वो भरूच और भावनगर में रोड शो कर प्रत्याशियों की जीत के लिए जनता से अपील करेंगी। सुनीता केजरीवाल का पहला रोड शो भावनगर में सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे भरूच में रोड शो करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, छठी ब्रेकिंग, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के चुनावी दौरे पर हैं। वो बरेली, बदायूं, सीतापुर में जनसभा कर बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। शाह की पहली जनसभा दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में होगी और इसके बाद शाह बदायूं के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2:15 बजे रैली होगी। बदायूं में रैली के बाद अमित शाह सीतापुर लोकसभा सीट पर 4 बजे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, अगली ब्रेकिंग, सातवीं ब्रेकिंग सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी के 2 दिग्गज नेता आज बिहार दौरे पर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि सारण सीट से इंडिया अलायंस से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और वहीं इस सीट से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी चुनावी मैदान। आगे बढ़ रहे हैं, 10 बजे की अगली ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी खड़गे का तूफानी चुनावी जो प्रचार प्रसार है वो जारी है। आज राहुल गांधी शिवमोगा में रैली करेंगे, वहीं रायचूर में 3:45 बजे जनसभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे शिवमोगा और कलबुर्गा में रैली कर कांग्रेस को जिताने की अपील करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, 9वें ब्रेकिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस समेत ही रायबरेली सीट पर प्रत्याशियों पर जल्द ही फैसला लेगी और उसके बाद दोनों ही लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाएगी। जयराम रमेश ने इस मामले में कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द प्रत्याशियों पर फैसला लेंगे। आपको बता दें कि 3 मई नामांकन का आखिरी दिन है। और आगे बढ़ रहे हैं, 10वीं ब्रेकिंग के साथ, दिल्ली स्कूल ईमेल धमकी मामले में दिल्ली के संस्कृति स्कूल में धमकी के एक नहीं बल्कि 2 मेल सामने आए थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही मेल में ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं था और दोनों ही मेल को जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने साइबर यूनिट को दे दिया है।